एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि अ पैनी अर्न अ पैनी सेव्ड इज अ पैनी अर्न इसका मतलब एक पैसा बचाएं वो एक पैसा कमाएं तो बचाने का मतलब यहाँ पे एनर्जी के हिसाब से एनर्जी को किस तरह से कंजर्व करें तो ये अब आपको पता है कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल या अपना कंजम्पशन कम करें सबसे बड़ी बात तो ये है फिर उसके बाद अगर कंजम्पशन हो ही रहा हो तो उसको फिर रीयूज़ करें किसी तरीके से जो एनर्जी आपकी ज़ाया हो रही है उसकी उसको लगा के किसी और तरीके से करें और तीसरा ये कि आ, जो जो भी चीज़ इस्तेमाल के बाद आई है उसको रिसाइकल कैसे करेंगे क्योंकि फिर उसको दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा तो वो तीनों चीज़ें आ जाती हैं तो उमन जब मैं पढ़ाता हूँ इस किस्म का कोर्स तो मैं वो रिसाइकिल और री का तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता क्योंकि उस वक्त तक के बाद पहुँचेगी ना तो उस वक्त तक के तो आ, हमारी शिकस्त हो गई समझ समझने कि आपने जो इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल करने से ही आप रिड्यूस रिडक्शन वगैरह की बात आती है ना अगर आप रिड्यूस कर दें पूरा इस्तेमाल करना ही कम कर दें तो फिर ना उसको रीयूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ना उसको रिसाइकिल करने की ज़रूरत पड़ेगी या उतना नहीं करना पड़ेगा जितना को होगा अब आप देख रहे हैं सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है प्लास्टिक रिसाइकिलिंग का प्लास्टिक जो है वो दुनिया भर के समंदरों में आप, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा कि अटलांटिक ओशन में एक जगह है जिसमें एक मीलो स्क्वायर का एक गारबेज है सारी जगह से करंट ऐसा होता है कि वो ला उस सारे गार्बेज को वहाँ खड़ा कर देता है अब वो फ्लोट तो वो मेटल वगैरह ग्लास वगैरह तो वो तो नहीं फ्लोट करते हैं वो तो नीचे चले जाते हैं तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो प्लास्टिक है अब वो प्लास्टिक इतना सारा जमा हो गया है कि अब उसको समझ में नहीं आता इन लोगों का कि कैसे वहाँ से निकालें अब वो होता क्या है वो प्लास्टिक पर थोड़ी थोड़ी देर के अंदर वो डिजोल्व तो नहीं होता लेकिन उसकी बहुत छोटी छोटी चीजें बन जाती हैं जो कि फिर मछलियाँ खाती हैं अब अगर मछली यकीन मछलियों को नुकसान पहुँचता है लेकिन अगर सिर्फ वो नुकसान हो ना तो शायद शायद हम बर्दाश्त कर लें लेकिन हम अगर वो मछली खाएंगे ना वो सारी चीज़ें हमारे जिसम के अंदर भी चली जाती हैं तो उससे हमको भी नुकसान पहुंचता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें सब जितने भी बड़ी बड़ी नेशंस हैं जिसमें चाइना है यू है और एक, एक ख़ास तौर पर ख़ास फ़िलिपीस जो है वहाँ से सबसे ज़्यादा प्लास्टिक गार्बेज जो वहाँ से निकल के समंदर में जाता है और आप यहाँ पे भी सड़कों पे देख लें अपने पाकिस्तान में भी वो प्लास्टिक बैग्स जो चलते हैं वो हर जगह पड़े रहते हैं वो पड़े पड़े डिजोल्व तो नहीं हो जाते वो क्रम्बल भी हो जाएंगे तो फिर बारिश आएगी उसके साथ पानी में चले गए पानी से जहाँ पानी आपका पीने का पानी है वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ये एक बड़ी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिसाइकिलिंग का और रीयूज का तो उसका एक ही हल है वह है रिडक्शन कि आप इस्तेमाल ही ना करें कि अगर आप जैसे अब पुराने ज़माने में एक बुट एक चीज़ होती थी जैसे कहते हैं बुट्टी अब पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं बुट्टी क्या होती थी एक जैसे एक बैग होता था जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता था वो लेके जाते थे उसमें सौदा लेके आ जाते थे सारा का सारा और वही बुट्टी एक चीज वो चलती रहती थी अब आप कहीं जाएँ वो आपको चाय भी प्लास्टिक के बैग में मिलेगी दही बड़े भी प्लास्टिक के बैग में मिलेंगे छोले भी प्लास्टिक के बैग में मिलेंगे तो ये सारी प्लास्टिक बैग जाएगा कहाँ वो गार्बेज में जाता है गार्बेज वाला कोई रिसाइकिल तो नहीं करता वो जो जिन्होंने नुक्कड़ पे जो लगे होते हैं गार्बेज डंप वहाँ जाके डालना जो जो चला गया उसके अंदर गार्बेज पाइल में वो वहां चला गया लेकिन वहां भी वो खत्म नहीं होगा वो पड़ा रहेगा वहाँ पे प्लास्टिक तो साल हा साल तक के जमा रहते हैं वहाँ वहाँ पे और अगर सड़क पे है तो वो फिर प्लास्टिक बैग तो बिल्कुल रिसाइकिल नहीं होगा एक रिसेंटली एक अच्छी बात ये हुई कि जो प्लास्टिक बैग काला वाला था ना वो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है कम से कम उसकी वजह से थोड़ी सी किफायत हो गई है ये पी, ये सफेद वाला प्लास्टिक बैग है वो अभी तक के आड़ी बाड़ी फिरता रहता है सड़कों पे उसको कुछ पूछने वाला नहीं है तो ये ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ तो वो आ, इसका सबसे बड़ा हल यही है कि उसको कंजर्व करें किसी तरह एनर्जी कंजर्व करें और एनर्जी कंजर्व करने का एक तरीका है कि आप इस्तेमाल ही ना करें एनर्जी तो वो कंजर्व हो जाएगी जो पैनी अर्न पैनी इस पैनी अर्न जिसकी बात मैंने पहले की थी तो लेकिन उसके अगर चूंकि इस्तेमाल करना ही है तो उसके लिए हमें फिर कुछ ना कुछ इस तरह तरकीबें करनी पड़ेंगी कि उनको उनका इस्तेमाल कम से कम हो और जो इस्तेमाल हो उसको फिर रिसाइकिल री यूज या जिस तरह भी करने की जरूरत पड़ेगी वो कर सकते हैं तो उसके लिए कुछ बेसिक छोटी सी फिजिक्स समझना पड़ेगी अः हीट ट्रांसफर वगैरह की तो वो उस इस, इस सेक्शन के अंदर वो उसको समझा देंगे तो हीट ट्रांसफर का इस सेक्शन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है अब वो हीट ट्रांसफर क्या होता है अब ये देखें हीट जो है वो हीट का मतलब ये कि एनर्जी ज़्यादा है जहाँ एनर्जी ज़्यादा है जहाँ एनर्जी कम है वहाँ एनर्जी ज़्यादा से एनर्जी कम तक की जाएगी ना वो उल्टा तो नहीं चल सकती वो तो ये एक बड़ी कॉमन सेंसिकल सी बात है लेकिन ये समझ लें तो फिर वो हीट ट्रांसफर समझना ज़रा आसान हो जाएगा तो ये जो कोई भी आपकी गर्म चीज़ है वो ठंडी होगी तो गर्मी और सर्दी में सिर्फ गर्मी का तस्वर है फिजिक्स में सर्दी का कोई तस्वर नहीं है कोई चीज़ गर्म है इसका मतलब उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा है कोई चीज़ ठंडी है इसका मतलब उसमें हीट एनर्जी कम है तो वो हीट एनर्जी सिर्फ बात करेंगे कोई कोल्ड एनर्जी कोई चीज नहीं होती तो वो उसका थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन ये हो अगर कोई चीज़ उसके अंदर गर्म चीज़ रखी भी हो तो उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो कहाँ जाती है उसकी हीट उसकी सारी हीट जो है आपके रूम टेम रूम में जो हवा है उसके अंदर चली जाती है तो वो ये हीट ट्रांसफर का ये ये सिलसिला है तो वो अब आप देखें अगर कोई एक का, का, गरम पानी गरम चाय का कप छोड़ के जाएं एक टेबल पे तो क्या होगा उसको उसका ये होगा कि उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा क्यों क्योंकि नेचर जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम चाहती है इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं हो सकता कि एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है वो दोनों को बराबर कर देती है एक में एनर्जी बहुत ज़्यादा है एक में एनर्जी बहुत कम है वो दोनों को बराबर कर देती है तो जितनी भी हीट है गर्म चाय में वो निकल के एयर में जाएगी और एयर से फिर जब उस वक्त तक के जाएगी जब तक के जो कप का टेम्परेचर वही ना हो जाए जो रूम टेम्परेचर है जो 22 बीस बाईस डिग्री सेंटीग्रेड का होता है तो वो उस वक्त तक के सारी हीट इसमें से निकल के जाती रहेगी अब मैं उसका मैकेनिज्म भी समझा दूंगा कि कैसे निकलती है एक मॉड्यूल के अंदर लेकिन सिर्फ ये प्रिंसिपल है कि वो हीट जो है बाहर बाहर जाएगी अब उल्टा सोचे जरा अगर एक वो है आइस आपने रखी टेबल पे और थोड़ी देर बाद आए तो आइस पिघल गई और पिघल के आप इसका टेम्परेचर चेंज करें पानी का तो वही टेम्परेचर होगा जो रूम टेम्परेचर होगा तो क्या हुआ यहाँ पे यहाँ पे उल्टी चीज़ हो गई जैसे मैंने पहले बताया कोई सर्दी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो निकल के आए जैसे गर्मी है ये जो गर्मी रूम टेम्परेचर पे हवा की है ना वो उसमें गर्मी ज़्यादा होती है बर्फ़ से तो वो गर्मी रूम से लेके बर्फ के अंदर चली जाती है और बर्फ को पिघला देती है बर्फ जब बिल्कुल पिघल जाती है जो पानी होता है वो फिर उसका टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाता है जब तक पूरी बर्फ पिघल ना जाए उस वक्त तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता वही रहता है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इसको लेट एन हीट ऑफ फ्रीजिंग कहते हैं तो वो वो जब बिल्कुल फ्रीज हो जाए मेल्ट हो जाएगा जीरो से फिर ऊपर आएगा ट्वेंटी टू डिग्री रूम टेम्परेचर के ऊपर तो दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर हो जाएगा और उसका मकसद वही था हीट एनर्जी को इक्िबरेट करना तो ये हीट ट्रांसफर इसमें Uh, जो मेकनिज़म्स जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ना वो ये तीन मेकनिज़म है जिसके बारे में शायद आप पहले भी जानते हो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे तो ताकि आइडिया क्लियर हो जाए कंडक्शन कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स के अंदर होता है सिर्फ हा? वो वाइब्रेशन वगैरह की तरह मैं उसको डिटेल समझा दूंगा कन्वेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेकनिज़म है सारे हमारे वेदर प्रोसेस वगैरह सारे इस पर डिपेंड करते हैं बारिश होना गर्द चमक होना तूफान आना वो सारा ये कर, इस कन्वेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है तो हवा जो है हमने उसकी बात की थी विंड एनर्जी की बात की थी ना विंड एनर्जी का सारा काम इस कन्वेक्शन से है कन्वेक्शन नहीं होगा तो विंड नहीं चलेगी विंड नहीं चलेगी, चलेगी, चलेगी तो विंड मिल नहीं चलेगी वो फिर बेकार चीज़ हो जाएगी तो वो कन्वेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो रेडिएशन है ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मतलब सूरज से गर्मी जैसे आती है वो सारी चीज़ें जो है रेडिएशन से आती है कोई बीच में चीज़ है ही नहीं कि जिसके ज़रिए आ सके वैक्यूम है तो इस वजह से वो उसको रेडिएशन के के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इस इस आ, अगले वाले सेक्शन के अंदर अगले वाले मॉड्यूल के अंदर इस तीनों का हम मेकनिज़म देख लेंगे कि ये कैसे कैसे होती हैं तो फिर बाद में समझ आ जाएगा कि ये ये जो हीट ट्रांसफ़र जो है पानी से हवा में हवा से पानी में या हवा से बर्फ़ में ये सारा इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो उनके ऊपर लागू होता है और बहुत सारी दूसरी एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरीके से